Assalamualaikum. आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ डेसिमल. डिवीज़न ऑफ डेसिमल भी बहुत इजी टॉपिक है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिवाइड में फोर पार्ट्स होते हैं, एक डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोएशेंट और रिमाइंडर. अब डिवीज़न ऑफ डेसिमल में थ्री केसेस होते हैं. केस नंबर वन, जिसमें इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, इसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है, जिसमें डिवाइडेंड में डेसिमल हो. अगर डिवाइडेंड में डेसिमल है तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत इजी है हल करना. अब 4.6 डिवाइड बाय 2, इसको हम नॉर्मली हल करते जाएंगे, इसकी टेबल इस पे 2 टाइम्स जाएगी, ठीक है. माइनस, अब यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर भी हम डेसिमल दे देंगे, ये 0, ये 6, इस पे 3 टाइम. अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं. अब 5.4 डिवाइड बाय 3 करते हैं, ठीक है. तो 5.4 डिवाइड बाय 3, तो इस पे टेबल जाएगी 1 टाइम, माइनस करेंगे 2 बचेंगे, पर हम डायरेक्टली 4 नहीं उतारेंगे, यहाँ पर हम पहले डेसिमल देंगे, ठीक है. तो ये 4 अब नीचे उतारेंगे हम, 3 की टेबल जाएगी 24 पर कितनी दफ़ा, 8 टाइम्स. ये हो गया हमारा डिवाइड. इस नंबर में 2 में क्या होता है कि डिवाइज़र में डेसिमल है और डिवाइडेड में नहीं है. अब एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, डिवाइडेड में चाहे डेसिमल हो या ना हो, पर डिवाइज़र में आपको कभी भी डेसिमल नहीं छोड़नी. मतलब डिवाइडेड में कोई चांस नहीं है कि वहाँ पर डेसिमल हो. इसको आपने फिर कैसे हल करना है कि यहाँ पे इसकी डेसिमल है, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी डेसिमल है, ये 1.4, ये डिवाइड, ठीक है. आपने इसकी ना पॉइंट को एंड मिलाना है, क्योंकि एंड में जब पॉइंट आ जाती है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर नंबर के आखिर में वैसे ही पॉइंट होती है, ठीक है. आपने जितने नंबर क्रॉस किए ना पॉइंट से, उतने नंबर इसके भी क्रॉस करने हैं. अब पर अभी तो यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम कैसे क्रॉस करें. तो यहाँ पर हम अपने 0 दे देंगे. हमने कितने नंबर क्रॉस किए, 1 हम क्रॉस करेंगे. यहाँ पर ये हो जाएगा 1400. अगर यहाँ पर हम ऐसा होता, अगर 2 नंबर क्रॉस करते तो यहाँ पर हम 20 दे देते, ठीक है, फिर 2 क्रॉस करते. तो जितने नंबर आपने क्रॉस करने हैं उतना ही पॉइंट्स को आपने आगे ले जाना है, ठीक है. यहाँ पर फर्दर डिवाइड होगा. तीसरा केस ये है कि डिवाइडेंड में भी डेसिमल हो और डिवाइज़र में भी डेसिमल हो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे डिवाइज़र में डेसिमल हो या ना हो, सॉरी, डिवाइडेंड में डेसिमल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर डिवाइज़र में डेसिमल हो तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अब क्या करना है, आपने डिवाइज़र की डेसिमल को ख़त्म करना है, तो इसको हम एंड में ले जाएंगे. तो इसकी भी हमने कितने नंबर क्रॉस किए, 1, तो हम इसकी भी एक नंबर क्रॉस करेंगे, 24.0 डिवाइड बाय 12. ये देखें, ये डेसिमल से आज़ाद हो गया. पर यहाँ पर भी आप देख लें कि डेसिमल के बाद जितने 0 आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया 24 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 2. चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि 1 डिवाइड बाय, सपोज़ करें हम 2 करते हैं, ठीक है, ये छोटा नंबर है, तो 1 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो इस पर 1 की टेबल नहीं, सॉरी, 2 डिवाइड नहीं करेगा 1 को, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पर क्वेश्चन में हम 0 पॉइंट देकर इसको 0 दे देंगे, और 2 टेन द, इसको जब हमने पॉइंट दे दी ना, इसको 0 देना है, ठीक है, इसको पॉइंट दे के इसको 0 देना है लाजमी, तभी आपकी टेबल जाएगी, वरना ये 0 पॉइंट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा. तो इस पर आप टेबल जाएगी 5 टाइम्स, ये हो गया डिवाइड. यहीं पर दूसरा सम कर लेते हैं, 3, ठीक है, ये 5, 3, इस पर कितनी दफ़ा टेबल जाएगी, 1 टाइम, ये 2. अब सम तो यहाँ पर मतलब टेक्निकली ख़त्म हो जाता है, पर ये थोड़ा लॉन्ग भी कर लेते हैं हम, कि डेसिमल में जब ये चला जाता है तो यहाँ पर हम पॉइंट दे के इसको हम 0 दे देते हैं, ये इतना हो जाएगा 20
पे टेबल कितनी दफ़ा जाएगी, 6 टाइम 18 पे। ये फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 666 आंसर आ जाएगा। हम इसलिए शॉर्ट टर्म में लिख लेंगे 1.66, या फिर इसके ऊपर कैप भी दे जाता है।